आरजेडी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के घर में AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को देखने और सुनने के बाद यह साफ कर दिया कि यह हथियार अनंत सिंह के नहीं थे। वहीं बिहार पुलिस जो अब तक दावे के साथ कह रही थी कि ये हथियार अनंत सिंह के घर के अंदर से बरामद हुए हैं, कोर्ट में उसे जवाब देते नहीं बना। कोर्ट के इस फैसले से एक तरफ जहां अनंत सिंह को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इससे बड़ा सवाल यह पैदा हो गया है कि जिस AK-47 और ब्लड प्रूफ जैकेट को पुलिस ने अनंत सिंह के घर से बरामद करने का दावा किया था, वह किसके थे। इसी मामले में अनंत सिंह को पहले ही जिला अदालत से 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिल चुकी थी, लेकिन अनंत सिंह ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां से अब वह बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। यह मामला गर्म होने के बाद अनंत सिंह ने साल 2016 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, उसी समय से वह जेल में थे। चूंकि अब उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि गुरुवार को वह जेल से बाहर आ सकते हैं। दिल्ली कोर्ट में सरेंडर के बाद अनंत सिंह का ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पटना से खुद IPS लिपि सिंह दिल्ली पहुंची थी। IPS लिपि सिंह ने ही अनंत सिंह के नदवा स्थित घर में छापेमारी की थी और दावा किया था कि उनके बेडरूम से AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट के अलावा कई हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। IPS लिपि सिंह ने जब अनंत सिंह के घर में दबिश देकर ये हथियार बरामद किए, उस समय बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी। उस समय अनंत सिंह RJD के विधायक थे और नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर भी थे, इसलिए वह राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए थे। हालांकि उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विधायक बनी और RJD छोड़ जदयू में शामिल हो गई। चूंकि इस समय भी बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार है, इसलिए उसका फायदा मिलता उन्हें दिख रहा है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया केस आपको याद होगा। इसमें पुरुलिया के 5 गांव में बड़ी संख्या में AK-47 समेत कई तरह के अन्य अत्याधुनिक हथियार गिराए गए थे। इसमें से 2 AK-47 उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे के पास से बरामद हुए थे। वहीं एक 2.2 का राइफल दस्यु सुंदरी फूलन देवी के पास भी होने का दावा किया गया था। कहा जाता है कि ये हथियार बिहार के माफिया डॉन सूरज भान ने पाकिस्तान से मंगवाए थे। उस समय उतारी गई खेप के करीब 2 दर्जन से अधिक हथियारों को तो CBI ने ट्रेस कर लिया था, लेकिन अभी भी कई हथियार ऐसे हैं जिनके बारे में CBI को कुछ भी नहीं पता। अनंत सिंह के घर में मिले AK-47 का भी कनेक्शन पुलिस ने इस केस से जोड़ने का दावा किया था, लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में उनको रिहा कर दिया है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।